नमस्ते, मेरा नाम मेयर अमीशा है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी स्कूल का नाम JNV बोटाद है। आज मैं आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ। यह है सोलर सिस्टम, जिसमें 8 ग्रह होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। उसमें सबसे पहले आता है बुध। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। यह पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह है। बुध सूर्य के नज़दीक होने के कारण वहाँ ज़्यादा तापमान रहता है। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र दूसरे नंबर का ग्रह है। चंद्रमा के बाद सबसे ज़्यादा चमकने वाला आकाशीय पिंड है तो वह शुक्र है। उसके बाद आती है पृथ्वी। पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है। ये एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन है। इसकी सूर्य से जो दूरी है वह एक इकाई मानी जाती है। उसके बाद आता है मंगल। मंगल चौथे नंबर का ग्रह है। इसका कलर एकदम लाल होता है। उसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति पांचवें नंबर का ग्रह है। वह गैस से बना ग्रह है। यह सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद आता है शनि। शनि छठे नंबर का ग्रह है। शनि को कभी कभी सोलर सिस्टम का गहना माना जाता है। उसके बाद आता है यूरेनस। यूरेनस सातवें नंबर का ग्रह है। यूरेनस के वातावरण में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन है। उसके बाद आता है नेपच्यून। नेपच्यून आठवां और अंतिम ग्रह है। नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह होता है क्योंकि वह सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है। तो ये थी हमारी सोलर सिस्टम। थैंक यू।